अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला और मेरी कंपनी का नाम है स्कार्स, जो आईटी सॉल्यूशन और सर्विसेज में डील करती है। आज के इस वीलॉग में मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेकर आया हूं, वो बेसिकली ग्रैंडस्ट्रीम नेटवर्क्स की एक आईपी पीबीएक्स मशीन है, जो कि एक बहुत ही रोबस्ट आईपी पीबीएक्स है। ये हम 6200 सीरीज के आईपी पीबीएक्स पे काम करेंगे और इसका मॉडल नंबर है यूसीएम 6208। 08 का मतलब है कि इसके अंदर 8 एफएक्सओ लाइंस की अवेलेबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या इक्विपमेंट है और इसके बेसिक फीचर्स क्या है और इसका ग्राफिकल इंटरफेस कैसा नजर आता है। तो आइए देखते हैं। ये इसका बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आता है इसका एक ब्रोशर, एक इसका इंस्टॉलेशन गाइड और एक वारंटी डिस्क्लेमर का मैनुअल। साथ ही साथ आता है इसमें एक अलग अडाप्टर, इसके माउंटिंग की किट, रैक माउंटिंग किट, क्योंकि ये एक रैक माउंटिंग पीबीएक्स है तो इसकी माउंटिंग किट होती है, और साथ ही आता है इसके एक अलग यूसीएम जो कि इस तरीके का दिखता है। ये पीबीएक्स का बैक है, बैक के ऊपर जहाँ पे इसका मैक एड्रेस मेंशन होता है वहीं पे इसका पासवर्ड भी मेंशन होता है। तो आपका जो भी पीबीएक्स होगा उसके बैक के ऊपर जहाँ पे स्टिकर पेस्ट होगा तो वहीं पे आप देखिएगा इसका डिफॉल्ट पासवर्ड वहीं पे होगा। आप इसको रैक माउंट भी कर सकते हैं, आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसके जो स्क्रूज के लिए जो जगह है वो अवेलेबल है। चाहे तो आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, इसके टेबल के भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये इसका बैक है, बैक के ऊपर दो पोर्ट्स अवेलेबल है, वैन की और एक लैन की, साथ में एक रीसेट का बटन है और एक पावर का इन पावर इन का ऑप्शन है और यहाँ पे एक अर्थ का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, ये पीबीएक्स हमने ऑन कर दिया है। पीबीएक्स के अंदर सबसे पहले जो है वो यूएसबी का पोर्ट होता है, साथ ही साथ इसके एसडी कार्ड का ऑप्शन होता है, उसके बाद दो एफएक्सएस के पोर्ट अवेलेबल होते हैं और इसके साथ 8 अदद एफएक्सओ के जो है वो पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसको 6208 कहा जाता है। आगे जो है वो इसके लाइट्स अवेलेबल हैं अपलिंक की, जिसमें सबसे सामने जो है वो लैन और वैन की लाइट्स हैं, साथ में यूएसबी और एसडी कार्ड की लाइट्स हैं, एफएक्सएस की लाइट्स है, एफएक्सओ की लाइट्स है और बिल्कुल लास्ट में एक छोटी सी एलसीडी है जिसके ऊपर आप इसका बेसिक जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आप वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसका आईपी एड्रेस क्या है या इसके लॉग्स वगैरह क्या है वो देख सकते हैं। अपने राउटर से आने वाली जो पैच केबल है, इंटरनेट जो नेटवर्क की वायर है, उसको इसके इस यूसीएम के आप वैन पोर्ट पे लगाएं ताकि आपका जो यूसीएम है वो डायनेमिकली आईपी उठा सके, और फ्रंट की जो छोटी एलसीडी है उसके ऊपर आप देख सकेंगे कि इसने कौन सा आईपी एड्रेस उठाया, उसी के थ्रू आप इसका वेब इंटरफेस लॉगिन करेंगे। अच्छा जी, मेरे यूसीएम ने जो आईपी एड्रेस उठाया है वो है 192.168.0.102, ये सामने नज़र आ सकता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और साथ में इसका जो डिफ़ॉल्ट आईडी जो होता है वो एडमिन होता है और उसका पासवर्ड जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूसीएम के पीछे होता है, आप उसको लॉगिन करें। आप उसे फॉरवर्ड पासवर्ड भी जो है वो रिकवर करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब ओल्ड पासवर्ड था हमारा जो था, अब मैं न्यू पासवर्ड रखता हूँ एक अदद और दूसरा मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अगर यहाँ पे ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं तो फिर आपको फॉरवर्ड पासवर्ड के वक्त ये काम आएगा, ठीक है जी। आप इसको नेक्स्ट करें, इसको राउट पे नहीं इस्तेमाल करना, आपने इसको स्विच पे इस्तेमाल करना फॉर द टाइमिंग, ठीक है। और लैन के ऊपर जाके आप इसको स्टैटिक आईपी पे ले जाएं और आप इसकी जो आईपी एड्रेस रखना चाहें रख सकते हैं। सबनेट मास्क मैं यूज़ करूँगा इसमें 255.0 और गेटवे डालने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं डाल देता हूँ 192.168.0.1। डीएनएस सर्वर डालने की ज़रूरत है तो फिर मैं 4.2.2.2 और फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट करें। हाँ, अपना प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, आज की तारीख 24 आवर्स, ठीक है, इंग्लिश नेक्स्ट करें आप और सब सही है, जान दें। अच्छा, इसको भी आप जान दें और
और उसको सेव कर दें और ये आपका मेन पेज आ गया। ठीक है, ये आपका मेन डैशबोर्ड है। आपने क्योंकि वैन की पोर्ट को स्विच करवाया तो ये टाइम लेगा लोड होने में, और इसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो चुका है 182.168.0.160। आप आईडी एडमिन और न्यू पासवर्ड के साथ आप उसको लॉगिन करें। ये इसका मेन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यूएसबी का ऑप्शन है, एसडी कार्ड का ऑप्शन है, सामने रिसोर्स यूजेज का ऑप्शन है, पीबीएक्स का स्टेटस आ रहा है और इंटरफेस का स्टेटस आ रहा है। अब ये लैन का इंटरफेस हो गया, पहले वैन का इंटरफेस था, अब ये लैन का इंटरफेस हो गया। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इसके फीचर्स अवेलेबल है, इसमें सीडीआर है, मेंटेनेंस है, सिस्टम सेटिंग्स है, पीबीएक्स सेटिंग्स है। मैं बेसिक आपको दिखाता हूँ कि एक्सटेंशन कैसे बनाता है इसके अंदर। एक्सटेंशन में गए, एक्सटेंशन और ट्रंक में एक्सटेंशन में गए और यहाँ पे आप देखें आपके पास पहले से 5 अदद एक्सटेंशन बने हुए। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू एक्सटेंशन अगर बनाना चाहें तो। यहाँ पे दो मेथड होते हैं, या तो फिर आप एक एक करके बनाएं या तो फिर आप एक साथ 100 तक बना सकते हैं एक गो के अंदर। तो मैं यूज करता हूँ 100 तक और मैं जाता हूँ उसको बैच सिलेक्ट करता हूँ, बैच के बाद मैं आप इसको 100 कर देता हूँ और मैं इसके बाद यहाँ से 1005 से स्टार्ट होगा। अब ये जो सिप का पासवर्ड है, ये सिप का पासवर्ड सबका सेम होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको मेंटेन कर सके। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं इसका कुछ भी, सपोज इसका 1234। वॉइस मेल में थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, हम बाद में इसको कन्फिगर करके देखेंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे ये सारे इसके एक्सटेंशन बन गए, साथ ही इसके सारे फीचर्स बिल्कुल सामने अवेलेबल है। इसमें सीडीआर भी हैं और उसके अंदर स्टैटिक्स और रिकॉर्डिंग फाइल्स भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ कॉन्फ़िगर करना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है और इसकी लॉग्स कैसे देखते हैं। और खास तौर पे ये है एक्टिव कॉल्स, जहाँ पे आपको सारी कॉल्स होती हुई नजर आ रही होती है कि अगर कोई इंटरकॉम बज रहा है या फिर कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल जा रही तो यहाँ पे आपको नजर आता है। ऊपर सबसे ऊपर अप्लाई चेंज करना मत भूलिएगा, जब भी आप कोई चेंजेस करें अप्लाई चेंजेस करिएगा। और आज का हम जो सेशन है इसको यहीं क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तकरीबन सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि इसका बेसिक ओवरव्यू कैसा है या बेसिक इंटरफेस कैसा है और उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर होते हैं। इसका एक ऑनलाइन सिम्युलेटर भी है, मैं सिम्युलेटर का लिंक भी जो है वो इसके अंदर वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको डिफरेंट आईपी फोन्स और उनका सिनेरियो बेस आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट आईपी फोन्स काम करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ना सिर्फ आईपी फोन्स के बारे में बल्कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी दिखाऊंगा किस तरीके से चलते हैं, वाईफाई वाले आईपी फोन कैसे चलते हैं, एक्सेस कंट्रोल जो डिवाइसेस होती हैं आईपी बेस वो किस तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट होती है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये इक्विपमेंट दूसरे प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि अब वॉइस या कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना कितना आसान है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई इंक्वायरीज है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0301-8231-562। आप अपनी इंक्वायरीज जो है वो मुझे ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है sales@skyers.com.pk। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।